अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी सिस्टर बना रही हैं, आज दाल बना रही हैं लोबिया की। अभी उसने बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद अब इसने बर्तन में डाला है और अब इसको पानी को निकालेगी। पानी को निकालने के बाद जो प्रोसेस होगा मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। अभी उसने ये टमाटो कट किए हैं लोबिया की दाल के, दाल में बनाने के, दाल में डालने के लिए। और ये प्याज अनियन था जो उसने स्लाइस की सूरत में कट किए हैं। तो जो प्रोसेस होगा साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी आज। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कुकिंग व्लॉग के नाम से है, और आप और लाइक माय वीडियोस। साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी क्या क्या प्रोसेस है, मेरी सिस्टर कैसे बना रही है लोबिया की दाल को। ये मसाला जार तकरीबन रेडी हो गया है। पहले अनियन को फ्राई किया, फिर टमाटो के बाद तमाम मसाला जात, गर्म मसाला, नमक, मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर वगैरह, और ये चीज़ें डाल के तकरीबन रेडी हो गया, फ्राई हो गया। और इसके अंदर लोबिया दाल ऐड करेंगे। अंदर लोबिया दाल को ऐड कर रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह कितने कलरफुल लग रही है। और अब मिक्स कर रहे हैं मसाला जात को लोबिया दाल के अंदर। अब इसकी जो फाइनल लुक होगी वो भी आपको दिखा देंगे थोड़ी देर तक। ये इसका फाइनल लुक है माशाल्लाह। कलर इसका माशाल्लाह अच्छा आया है और टेस्ट भी माशाल्लाह अच्छा है। और आप भी ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, ये राइस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और चपाती के साथ भी ठीक है, लेकिन ये राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। वाइट राइस इसके साथ बनाए जा सकते हैं और ट्राई किए जा सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।